नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। लोकसभा चुनाव मैदान में 19 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मतदान के लिए 2 बैलेट यूनिट लगाई जाएंगी, साथ ही बैलेट यूनिट की कमी को दूर करते हुए सिवनी से 1200 बैलेट यूनिट अतिरिक्त मंगा ली गई है। ये जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक कुमार सक्सेना ने बताया कि मतदान संबंधी प्रक्रिया की पुख्ता तैयारी कर ली गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक कुमार सक्सेना ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों से संबंधित जानकारी मीडिया से साझा करते हुए बताया कि मतदान दलों के गठन और उनके प्रशिक्षण की प्रक्रिया लगभग हो चुकी है। दूसरे चरण का प्रशिक्षण भी 7 अप्रैल से आरंभ हो जाएगा। वहीं उन्होंने बैलेट यूनिट की कमी को दूर करने, शस्त्रों के जमा होने के साथ ही चुनाव संबंधी शिकायतों के बारे में भी जानकारी दी। अभी तक हम आदर्श आचरण संहिता में डिफेसमेंट का रिमूवल 7683 का कर चुके हैं। अभी जितने हमारे अभ्यर्थी खड़े हुए हैं, लगातार अनुमतियां ले रहे हैं, सभाएं हो रही हैं, कुल मिलाकर अभी 108 अनुमतियां जो हैं वो जारी हो चुकी हैं। एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग सेल के जो हमारी अलग अलग टीमें हैं वो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और 2,55,00,000 की वसूली अभी तक हो चुकी है। आर्म्स लाइसेंस में पुलिस के माध्यम से कार्रवाई हो रही है। पिछले वीक जब हमने समीक्षा की थी तब करीब 2,700 से ज़्यादा शस्त्र लाइसेंस जमा होना शेष थे। आज की जो स्थिति है उसमें 6,798 शस्त्र में से 6,348 शस्त्र जो हैं वो जमा हो चुके हैं और केवल 354 शस्त्र जो हैं वो जमा होना शेष है। जैसा कि आप जानते हैं, चुनाव में शिकायतों की संख्या लगातार बढ़ती रहती है। लोग जागरूक हैं और जैसे ही कहीं आचार संहिता के उल्लंघन का मामला देखते हैं तत्काल शिकायत करते हैं। अभी तक हमारे पास कुल मिलाकर 214 शिकायतें आ चुकी हैं, जिसमें से 201 शिकायतों का निराकरण हो चुका है। जो हमारे मतदान दल आज गठित होंगे, उन मतदान दलों का जो सेकंड प्रशिक्षण है वो 7 अप्रैल से चालू होगा, जो 12 अप्रैल तक चलेगा और PSM कॉलेज और माइंड मॉडल हाई स्कूल को जबलपुर में दिया जा रहा है। कलेक्टर ने बताया कि लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से एवं पारदर्शी तरीके से सम्पन्न हो, इसका ध्यान रखा जा रहा है। कलेक्ट्रेट कार्यालय में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित हुई, जिसमें उन्हें घर घर मतदान कार्यक्रम की जानकारी प्रदान की गई। प्रतिनिधियों को बताया गया कि 85 वर्ष से अधिक आयु और दिव्यांग मतदाताओं के लिए उनके घर पर ही मतदान कराने की सुविधा प्रदान की गई है। कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित बैठक में राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों एवं उनके प्रतिनिधियों को घर घर मतदान अभियान के बारे में बताया गया। दरअसल 85 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे मतदाता जो पोलिंग बूथ तक जाने में असमर्थ हैं और दिव्यांग मतदाताओं के लिए घर पर ही मतदान कराने की सुविधा दी गई है, लिहाजा इस प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थी के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे, लिहाजा इसकी जानकारी दी गई है। इनसे हमने घर घर मतदान की जानकारी शेयर की है। जैसा आपको पता है, आयोग के निर्देश है कि जो 85+ और PWD वोटर्स हैं और जो वास्तव में चाहते हैं कि उनके वो पोलिंग स्टेशन तक जाकर अपना मतदान नहीं कर सकते, उन्हें घर की सुविधा दी जाए, तो ऐसे चिन्हित मतदाताओं के लिए हमने घर जाकर मतदान कराने की सुविधा उपलब्ध कराई है। इनसे संबंधित सभी विधानसभाओं में जो वोटर्स ऐसे हैं, इनकी जानकारी हमने सभी कैंडिडेट्स और उनके प्रतिनिधियों के साथ साझा की। स्कूल की किताब और कॉपियों को मनमाने दामों पर बेचे जाने की शिकायत मिलने के बाद हरकत में आए प्रशासनिक अमलों ने नौद्रा ब्रिज स्थित चिल्ड्रन बुक हाउस, गोरखपुर स्थित संगम बुक डिपो और रामपुर क्षेत्र की न्यू राधिका बुक हाउस समेत अन्य बुक डिपो का औचक निरीक्षण किया और किताबों सहित स्टॉक और बिलों की जाँच की गई। निजी स्कूलों और बुक सेलर की मनमानी पर अंकुश लगाने की शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर दीपक सक्सेना द्वारा सभी तहसीलों के अधिकारियों को किताब विक्रेताओं की दुकानों की जांच करने के निर्देश दिए, जिसके बाद अधिकारियों की टीम ने चिल्ड्रन बुक हाउस, संगम बुक डिपो और न्यू राधिका बुक डिपो सहित अन्य किताब दुकानों की जाँच की और शिकायतों के आधार पर तथ्य एकत्रित किए। तहसीलदार भरत सोनी ने बताया कि जांच रिपोर्ट कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी, जिसके बाद वैधानिक कार्रवाई होगी। इस पे बुक स्टोर पर जाकर के GST की टीम, एजुकेशन की टीम और रेवेन्यू अमला जाकर के एक साथ कार्रवाई करता है, जांच करता है, जिसमें मुख्य रूप से हम यह देखते हैं कि किसी स्कूल की मोनोपोली तो नहीं चल रही है या किसी पर्टिकुलर स्कूल ने कोई एक दुकान तो फिक्स कर नहीं रखी है,
और जीएसटी की टीम जो है बिल वगैरह चेक कर रही है। ऐसी शिकायतें लगातार आ रही थी अभिभावकों द्वारा और पालकों द्वारा कि स्कूलों के द्वारा उन पर दबाव डाला जा रहा है कि एक ही दुकान या किसी पर्टिकुलर चिन्हित दुकान से ही यूनिफॉर्म या आपका पाठ सामग्री क्रय करें। तत्संबंध में कलेक्टर महोदय के निर्देशन में ये जाँच की जा रही है। अभी हमने जाँच की है, उसके तथ्य इकट्ठे किए हैं, तथ्य इकट्ठे करके हम प्रतिवेदन देंगे कलेक्टर महोदय। गौरतलब है कि शिक्षा माफियाओं पर कार्रवाई करने के निर्देश कलेक्टर द्वारा जारी करने के बाद से निजी स्कूलों और बुक सेलर्स में हड़कंप मचा है। लगातार कार्रवाई होने से उम्मीद जताई जा रही है कि अभिभावकों को राहत मिल सकेगी। निजी स्कूलों और किताब विक्रेताओं के बीच हुई सांठगांठ के बाद निर्धारित दुकानों से ही यूनिफॉर्म एवं किताबें खरीदने के लिए अभिभावकों पर बनाए जा रहे दबाव पर लगाम लगाने के लिए जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में कलेक्ट्रेट में स्कूल संचालकों की बैठक आयोजित हुई, जिसमें कलेक्टर दीपक सक्सेना ने कई अहम आदेश जारी किए। साथ ही कम मूल्य पर बच्चों को किताबें उपलब्ध कराने के लिए बुक फेयर आयोजित करने और कमेटी का गठन करने के अलावा खुली जन सुनवाई आयोजित करने की भी बात कही है। और यदि वो 10% से अधिक है तो शिक्षा के व्यवसायीकरण पर अंकुश लगाने के लिए राज्य शासन के निर्देश पर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने नकेल कसना शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में उन्होंने कलेक्टर कार्यालय में निजी स्कूल संचालकों की बैठक ली। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने बुक और यूनिफॉर्म और फीस के नियंत्रण को लेकर स्कूल संचालकों से चर्चा की और 10 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। इसके अलावा उन्होंने बुक फेयर का आयोजन करने के निर्देश भी दिए हैं। कलेक्टर के अनुसार अभिभावकों द्वारा स्कूलों और बुक विक्रेताओं की मनमानी की शिकायतें की गई थी और इसीलिए अब एक खुली जनसुनवाई आयोजित होगी, जिसमें अभिभावक एवं स्कूल संचालक शामिल रहेंगे और दोनों अपना पक्ष रखेंगे। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने स्पष्ट कहा कि यदि अनियमितताएं पाई गई तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कल रात तक जो 18 स्कूलों के बारे में शिकायतें आई थी उनके विरुद्ध हमने प्रकरण दर्ज कर लिया है और अब उनको सूचना पत्र वगैरह जारी करके कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई करने का जो तरीका हमने सोचा है वो खुली जनसुनवाई टाइप का कार्यक्रम आयोजित करने का सोचा है, जिसमें हम शिकायतकर्ता को भी और स्कूल को दोनों को आमने सामने बैठ के मौका देंगे कि वो अपनी बात कहें और ये अपनी बात कहें। एविडेंस कलेक्शन होगा, उसके आधार पर फिर कार्रवाइयाँ होंगी। आज मैंने करीब सभी स्कूल संचालकों की आज एक मीटिंग आहूत की थी, जस्ट आपके पास उसी से आ रहा हूँ। करीब 350 स्कूल हैं जो निजी स्कूल हैं जबलपुर में। मीटिंग में काफ़ी सारे स्कूल के प्रतिनिधि मौजूद हुए थे। शासन की, समाज की और पेरेंट्स की जो शिकायतें आ रही हैं उनके बारे में मैंने स्कूल के संचालकों को अवगत कराया। उसमें से अधिकांश लोग इस बात से सहमत थे कि साहब इस तरह की भ्रांतियाँ हैं और दिक्कत है इसमें। कलेक्टर ने बताया कि जल्द ही कमेटी में अभिभावकों को भी शामिल किया जाएगा। राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तनखा द्वारा दायर किए गए 10 करोड़ के मानहानि के मामले में न्यायालय ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के विरुद्ध जमानती वारंट जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 7 मई को नियत की गई है। राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तनखा द्वारा MP MLA कोर्ट में 10 करोड़ रुपए का मानहानि का केस प्रदेश के पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के विरुद्ध दायर किया गया था, जिसमें उन्होंने न्यायालय को बताया कि उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चल रहे OBC आरक्षण मामले को लेकर कोई भी बयानबाजी नहीं की गई थी, लेकिन BJP नेताओं ने गलत बयानबाजी कर उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया। इस मामले पर हुई सुनवाई के दौरान पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान, VD शर्मा और भूपेंद्र सिंह द्वारा स्वयं उपस्थित होकर अंडरटेकिंग नहीं देने पर कोर्ट ने तीनों के विरुद्ध जमानती वारंट जारी किए हैं। जो शिवराज सिंह चौहान जी हैं, VD शर्मा जी हैं और भूपेंद्र सिंह जी हैं, इनकी उपस्थिति के लिए प्रकरण चल रहा था। एक मानहानि का दावा माननीय तनखा साहब द्वारा प्रस्तुत किया गया था, उस पर तथ्य पाते हुए कोर्ट ने संज्ञान लिया था। संज्ञान लेने के बाद इन लोगों की उपस्थिति के लिए कोर्ट में यह केस 23 मार्च 2024 को लगा था। 23 मार्च 2024 को एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसमें हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त की गई थी। माननीय न्यायालय ने हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मानते हुए प्रकरण को 7 जून 2024 के लिए लगा दिया था, लेकिन क्योंकि माननीय सर्वोच्चतम न्यायालय के इसमें कई जजमेंट हैं जिसमें ये कहा गया है कि अगर आप किसी व्यक्ति की हाजिरी माफ़ी करते हैं तो उनका एक परिवचन लेना अनिवार्य है, अंडरटेकिंग लेनी अनिवार्य है,
अंडरटेकिंग के लिए ये प्रकरण 2/4/2024 को MPMLA कोर्ट के सामने लगा हुआ था। जब कल ये प्रकरण प्रस्तुत हुआ तो फिर से एक आवेदन आया, जिस आवेदन में ये निवेदन किया गया न्यायालय से कि आज भी ये उपस्थित नहीं हो सकते क्योंकि ये तीनों जन प्रत्याशी हैं लोकसभा चुनाव के और ये अपने प्रचार प्रसार में व्यस्त हैं, तो इसकी जो अगली तिथि है उसमें ये प्रस्तुत हो जाएंगे। देखिए, मामला ये था कि सुप्रीम कोर्ट में एक OBC आरक्षण को लेकर एक प्रकरण लंबित था जिसमें लोकल बॉडी चुनाव में OBC आरक्षण की क्या सीटें रहेंगी उस पर चर्चा सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया था, उस आदेश पर कुछ ऐसी टिप्पणियां की गई थी तीनों अभियुक्तों द्वारा, उसको ऐसा बताने की कोशिश की गई थी कि इसमें तनखा जी का द्वारा कोई ऐसी टिप्पणी की है जिससे OBC आरक्षण पर कुछ आहत होगा। उससे निराश होकर तनखा साहब ने एक मानहानि का प्रकरण प्रस्तुत किया था क्योंकि जो माननीय उच्च सर्वोच्चतम न्यायालय की आदेश की टिप्पणियां थी उससे विपरीत कुछ चीज़ें कही गई थी, इसलिए ये मानहानि का प्रकरण प्रस्तुत किया गया जिस पर ये कोर्ट ने संज्ञान लिया है। इस मामले की सुनवाई 7 मई को नियत की गई है। जिले के 122 क्लिनिकों के लाइसेंस CMHO डॉक्टर संजय मिश्रा द्वारा निरस्त कर दिया गया है। दरअसल इन क्लिनिकों के संचालकों द्वारा पंजीयन का नवीनीकरण नहीं कराया गया, लिहाजा CMHO ने ये कार्रवाई की है। CMHO डॉक्टर संजय मिश्रा ने बताया कि लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग से क्लिनिकों के पंजीयन के लिए मापदंड निर्धारित होते हैं और उसी आधार पर लाइसेंस बनाया जाता है, लेकिन जिले के 122 क्लिनिकों के पंजीयन कई सालों से रिन्यू नहीं कराए गए हैं, लिहाजा उनका पंजीयन निरस्त कर दिया गया है। इसके साथ ही इन क्लिनिकों की निगरानी के लिए एक टीम का भी गठन किया गया है। तो जब 31 मार्च तक लिस्ट देखी गई तो उसमें करीब 122 जो क्लिनिक थी उसमें डॉक्टरों की क्लिनिकल प्रैक्टिस वाली क्लिनिक थी, पैथोलॉजी लैब थी, उनके द्वारा नवीनीकरण के लिए आवेदन ही नहीं किया गया था, तो उनको निरस्त किया जाता है, ये नियम है। उसी आधार पर 122 क्लिनिकों को हमने जो लाइसेंस है वो निरस्त कर दिए हैं। यदि वो पुनः इसके लिए आवेदन करेंगे पोर्टल के माध्यम से तो उनका पुनः पंजीकरण कर दिया जाएगा यदि वो पूरे मापदंडों को पूरा करेंगे। सभी लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराएँ जिससे हमारे रिकॉर्ड में ये हो कि जबलपुर में कितने ऐसे डॉक्टर्स हैं जो क्वालिफाइड हैं, क्योंकि बार बार शिकायतें आती हैं कि झोला छाप डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जब क्वालिफाइड डॉक्टर रजिस्ट्रेशन कराएंगे तब हम पता कर पाएंगे कि कितने ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनके पास योग्यता नहीं है और वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान जन्म एवं तप कल्याण महोत्सव मनाया गया। हनुमानताल क्षेत्र स्थित जैन मंदिर में भगवान आदिनाथ का महामस्तिकाभिषेक कर जन कल्याण की कामना की गई। इस अवसर पर आदिनाथ पूजन मंडल द्वारा प्रसाद का भी वितरण किया गया। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान श्री आदिनाथ के जन्म एवं तप कल्याण महोत्सव की संस्कारधानी में धूम रही। शहर के अन्य जैन मंदिरों समेत हनुमानताल क्षेत्र स्थित प्राचीन जैन मंदिर में भी जैन धर्मावलंबियों द्वारा भगवान आदिनाथ का महामस्तिकाभिषेक किया गया। हम सबके आराध्य ऐसे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान जिनका प्रथम शासन काल से आज अंतिम शासन काल महावीर स्वामी के शासन काल तक का काल चल रहा है, उनके शासन काल में आज नगर के इष्ट देव अति प्राचीन प्रतिमा 84,000 वर्ष प्राचीन प्रतिमा जिनका साल में सिर्फ 2 बार अभिषेक होता है, आज महामस्तकाभिषेक हनुमानताल शासनोदय तीर्थ क्षेत्र में रखा गया जिसमें हजारों श्रद्धालुओं द्वारा अभिषेक एवं शांति द्वारा विश्व की शांति के लिए कामना करी गई। जैन मंदिरों में विधि विधान से पूजन कर श्रावक श्राविकाओं ने विश्व शांति की कामना की और इस अवसर पर प्रसाद का वितरण भी किया गया। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में खड़ी फसल की कटाई के बाद किसानों ने नरवाई जलाना शुरू कर दिया है। इससे न केवल कीट पतंगों को नुकसान हो रहा है बल्कि पर्यावरण को भी खतरा बढ़ रहा है। कृषि विज्ञान और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने नरवाई जलाने पर रोक लगाई है, लेकिन रोक के बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों में इसका पालन नहीं हो रहा है।
जिले के ग्रामीण इलाकों में फसल की कटाई के बाद खेतों में नरवाई जलाए जाने के मामले सामने आ रहे हैं। कृषि विभाग और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा रोक लगाए जाने के बाद भी किसानों द्वारा इसका पालन नहीं किया जा रहा है। नरवाई जलाने से एक तरफ वायु प्रदूषण बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ कीट पतंगों पशु पक्षियों को भी नुकसान होने का खतरा बढ़ गया है। बरेला थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम देवरी बसनिया में भी किसानों द्वारा खेत में नरवाई जलाए जाने का मामला सामने आया है, जिससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए बीटीवी न्यूज़।